वीरे दी वेडिंग चार बचपन की सहेलियों के जीवन को दर्शाती एक बेहद रोमांचक कहानी है। वीरे दी वेडिंग एक आगामी महिला दोस्तों की कॉमेडी फिल्म है जो 1 जून को रिलीज होने वाली है। इसलिए चार स्टार कास्ट करीना कपूर, सोनम कपूर, स्वरा भास्कर और शिखा तलसानिया की अगुवाई में उनके फिल्म के प्रचार के लिए राष्ट्र राजधानी में देखा गया होटल ली मेरिडन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पूरा मीडिया का झुकाव मौजूद था। पत्रकारों से बातचीत करते समय सभी अदाकारों ने अपने अनुभव साझा किया। फिल्म के बारे में बात करते हुए बेबो ने बताया, यह फिल्म दिल्ली की पृष्ठभूमि पर आधारित है जहाँ ये पली बड़ी हैं। परिवार की स्वीकृति, विवाह और सामाजिक धारणाओं के संबंध में आधुनिक दिन में उनके परीक्षण से संबंधित है। फिल्म और इसकी खुली भाषा के बारे में बात करते हुए करीना कपूर खान ने कहा, इस फिल्म के लिए काम करना बहुत अद्भुत था। मैं बहुत उत्साहित हूं क्योंकि पहली बार मैं इस तरह की अलग भाषा के साथ फिल्म का हिस्सा हूं। मैं उत्साहित हूं कि मैं चार महिला कलाकारों के साथ पहली बार काम कर रही हूं। मैं इंतजार कर रही हूं मेरे प्रशंसकों की प्रतिक्रिया का और मुझे यकीन है कि वे निश्चित रूप से इसे प्यार करेंगे। फिल्म के बारे में सोनम कपूर ने कहा, मैंने भाषा के बारे में नहीं सोचा, बस स्क्रिप्ट पसंद आई और मैंने हाँ कहा। मैंने सोचा यह फिल्म एक मज़ेदार अनुभव रहेगा और वास्तव में ऐसा ही हुआ। सोनम कपूर ने यह भी कहा कि यह फिल्म साधारण जीवन से ज़्यादा जुड़ी है। हाँ, लंबे समय के बाद चार मुख्य धारा की अभिनेत्रियाँ एक साथ काम कर रही हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। फिल्म का विषय बहुत आसान है, यहाँ तक कि एक लड़का भी यह रोल अदा कर सकता है और इसे सशक्तिकरण के रूप में चित्रित कर सकता है। यह एक मनोरंजक फिल्म है, हर कोई खुद को पात्रों के साथ पहचान सकता है। फिल्म के बारे में स्वरा से उनके पोल डांस के बारे में पूछने पर उन्होंने एक मज़ेदार तरीके से कहा, मैंने पोल डांस करने की कोशिश की और संघर्ष भी किया। पोल डांस के लिए अच्छे फिटनेस की ज़रूरत है और मैं इसके लिए उपयुक्त नहीं हूँ। हालांकि जैकलिन आजकल शानदार पोल डांस अपनी फिल्मों में कर रही हैं। बोल्डनेस के बारे में बात करते हुए शिखा ने कहा, मुझे नहीं लगता कि ये बोल्ड फिल्म है। इस फिल्म में भाषा सभी लड़कियों के लिए सामान्य है, आमतौर पर हम निजी ज़िंदगी में इसका उपयोग करते हैं। हमें इनसे कुछ जताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम बस एक कहानी को चित्रित कर रहे हैं जो चार दोस्तों पर आधारित। वीरे दी वेडिंग शशांक घोष द्वारा निर्देशित की गई है। फिल्म रिया कपूर, एकता कपूर और निखिल द्विवेदी द्वारा सहनिर्मित है। बालाजी मोशन पिक्चर्स, अनिल कपूर फिल्म एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क के बैनर के तहत बनी फिल्म वीरे दी वेडिंग के बारे में आगे वीडियो में देखिए। दिल्ली के उपेंद्र सिंह के साथ मैं अंजलि सिंह की एक रिपोर्ट। It is what everybody speaks, right, when you're with your friends. So I don't think we were trying to do any of that. We were just trying to tell a story which was very relatable and about four friends and their lives. I think ये मेरी ज़िंदगी से बहुत ही similar है, पर अगर आप कहेंगे कि ये मतलब बहुत सालों बाद या I think पहली बार चार mainstream heroines एक साथ एक film कर रही है, the very fact that is empowering in itself. सब्जेक्ट ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट इज फॉर रेगुलर वुमेन। यहाँ ये चार किरदार कोई लड़का भी कर सकता था। सो द वेरी फैक्ट दैट इज व्हाट इट इज एम्पावरिंग इन इटसेल्फ। बट ये बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है। आई थिंक हर कोई इस कोई ना कोई किरदार से आइडेंटिफाई कर पाएगा, व्हिच इज व्हाट दिस फिल्म इज अबाउट। Ways of dealing with menstruation, which is a normal thing, it should be a fundamental right to all women. And I think that I did a film called Batman. I suggest everybody go watch it. मैं इतना कह सकूंगी कि while filming the film, मुझे बहुत सारे ऐसे चीज़ें पता चली कि ऑलमोस्ट 60% ऑफ वुमेन इन आवर कंट्री डोंट हैव एक्सेस टू सैनिटरी नैपकिन्स और फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन फॉर यू नो ड्यूरिंग द पीरियड एंड देयर इज नो अवेयरनेस। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे दे यूज ऐश और यू नो घास और ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू काइंड ऑफ हैव cheaper forms of like sanitary napkins or tampons or whatever they have to use because that's more sanitary or there are lots of diseases that are that can happen, you know, and there's a lot of stigma also attached to periods. There's nothing wrong with a woman getting her period and there's nothing wrong with her as doesn't make her any different. So this is another form of sexism that we face in a country like India, and I'm so happy that Akshay Kumar, who is a self-proclaimed feminist and someone who really believes in kind of
you know, promoting it and decided as a mainstream actor to do a film like Batman and kind of promote that. Thank you.